एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता क्या अमीना का लाल दुनिया में तशरीफ ले आया, गिलाफे काबा पकड़े हुए, इलाहुल आलमीन 10 फूल दिए थे और वो सबसे हसीन और जमील फूल तूने पहले ही तोड़ दिया। इलाहुल आलमीन, लेकिन मैंने कोई जजा फजा नहीं की, तूने अब्दुल्ला ले लिया, मैंने हाईवा वेला ना किया, मैंने बेसब्री का मुजाहरा ना किया, मैंने शोरो शगफ ना किया। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी, लेकिन आमीना मेरे घर के अंदर मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। इलाहुल आलमीन रहमत के कुछ छींटे आमीना के खेमे में डाल दे, हमारा काम बन जाएगा। और अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, अल्लाह ताला की रहमत बोलो जोर से बेशक बहुत वसी है। जब उसकी रहमत वाली नजर आदम के पुतले पे पड़ती है, अल्लाह मस्जिद मलाइका बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर आजर के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है अंबिया तो क्या अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है, मक्का के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है, और हम पे पड़ी तो नबी की निस्बत पर यहाँ बुला ली। अपनी मर्जी से नहीं आए, बहुत बड़ी ताकत यहाँ लेके आई। देखो 12 बज गए, 12:15, दुनिया सोई हुई है, तुम इश्क रसूल निभाने के लिए यहाँ बैठे हो। बोलो ये सिर्फ अल्लाह की दी हुई तौफीक से। इबादत का गुरूर है ना, वो कुर्सी के गुरूर से भी ज्यादा है। मैंने इतना किया, इतना किया, ये इतना इतना कहीं का नहीं छोड़ता। अल्लाह नाराज होता है ना, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। एक चौधरी साहब थे ना, उन्हें मछली का बड़ा शौक था। उसका जो नौकर था वो नमाजी नहीं था, वो नमाजी था, चौधरी नमाजी नहीं था। तो नौकर से कहा चल मछली लेके आता। बाजार में पहुंचे, अल्लाह अकबर की सदा कानों में आई। नौकर ने कहा मैं मछली बाद में पकड़ूंगा, पहले सजदा करूंगा। वो मस्जिद को चला गया। काफी देर हो गई, नमाज पढ़ी, सुन्नतें पढ़ी, वज़ाइफ़ पढ़े, तो चौधरी बाहर गेट पे खड़ा चिल्ला रहा है, यार आ भी जा, अरे आ भी जा। उससे ऐसा कि यहाँ कोई जमात आई होगी, 6 नंबर याद करा रहे होंगे अमीर साहब। वो एक बंदा 3 घंटे के बाद घर आया, उसकी वालिदा ने पूछा इतनी देर कर दी। अमीर साहब ने चाय का प्याला पिलाया, 3 घंटे इन्हीं के साथ बिठा दिया। कहा शुक्र है तू 3 घंटे के बाद आ गया, तेरे वालिद ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए थे। कुछ लोग तश्किल करते हैं ना, कोई राह नहीं छोड़ते, जाना ही पड़ता है, इनकी जबानी ऐसी होती है। तो चौधरी बाहर कह रहा है अरे आ भी जा, कौन तुझे नहीं आने देता। तो वो अंदर से कह रहे मुझे वो बाहर नहीं आने देता जो तुझे अंदर नहीं आने देता। हम यहाँ जमा हुए ना, मैं कहां से आया हूँ, कितना दूर, दो स्टेशन बीच में किए, चेन्नई उतरा, चेन्नई से यहाँ आया, न वेदर हमवार था, कितना ट्रैफिक था, कितनी कितनी मुसीबतें झेल के यहाँ तुम्हारे बीच पहुंचा, वो सिर्फ मेरे रब की दी हुई तौफीक से तुम्हारे बीच आया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा रहमत के कुछ छींटे आमीना के खेमे में डाल दे। अब्दुल मुत्तलिब दुआ मांग रहे, इधर कनीज आ गई, आके कहने लगी अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें करोड़ों मुबारक हो। कहाँ किस बात की मुबारक, कहाँ तू मक्के का सरदार है, तेरे घर के अंदर तो जज्जा सरदार आ गया, तू मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर के अंदर तो जज्जा मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब उठे, सामने आमीना का खैमा है, कुंडा खटखटाया, आमीना ने पूछा कौन, कहा मैं अब्दुल मुत्तलिब। दरवाजा खोला गया, अंदर से खुशबुओं का चश्मा जारी हो गया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटा आमीना, हमारे यहाँ रिवाज है बेवा खुशबू नहीं लगाती, बेवा फूलदार कपड़े पे
भी नहीं पहनती, ये खुशबू कहाँ से ले आई। अमीना कहने लगी अब्बा जान न मैं लाई न आप लाए न किसी और ने ला करके दिया, मैं कभी बाजार में गई नहीं इतर की मुझे पहचान नहीं, आप अंदर तशरीफ ले आइए, अल्लाह ने मुझे खुशबुओं वाला लाल अता कर दिया है। अब्दुल मुत्तलिब अंदर तशरीफ ले गए, पोते को उठाया सीने से लगाया पेशानी चूमी आंखों से छम छम आंसू बरसने लगे। अमीना ने पूछा अब्बा जान क्यों रो रहे हो, कहा काश आज अब्दुल्ला भी जिंदा होता कितना खुश होता। हम भी कभी आरजू करते ना जब हमारे माँ बाप जिंदा थे, माल नहीं था, इन्होंने हमारी गुर्बत की रोटी देखी थी सूखी रोटी, माँ बाप चले गए तो बहुत प्रॉपर्टी अल्लाह ने दे दी बहुत माल दे दिया, तो हम आरजू करते काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरा गुर्बत का दिन देखा था आज माल की रेल पिल भी देख लेते। माँ बाप जिंदा थे हमारे हमारे पास औलाद न थी, वो तहज्जुद में उठ के लंबे लंबे हाथ करके दुआएं मांगते थे अल्लाह मेरे बेटे को औलाद दे दे। माँ बाप दुनिया से चले गए अल्लाह ने बाद में औलाद दी, तो हम ये आरजू करते ना काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, इन्होंने मेरा खाली सहन देखा था आज बच्चों का खेलना भी देख लेते। और एक बीमारी है, माँ बाप जिंदा होते ना कदर नहीं होती, जब चले जाते हैं ना बाद में एहसास होता है काश खिदमत कर ली होती, काश पांव दबा दिए होते, काश इनकी एक ही बोली पे इनका काम कर दिया होता। जिंदा होते पानी नहीं पिलाते, मरने के बाद कब्र के पास दूध का प्याला लेके जाओ क्या फायदा। अक्सर माँ बाप घरों में परेशान है, अक्सर माँ बाप इसलिए तो ये जवान बना, ये 10 मिनट नहीं इनके पास बाप के पास बैठने के लिए, 10 मिनट नहीं है माँ के पास बैठने के लिए, अपना काम निपटा के घर आया सीधा बीवी की बेडरूम में चला जाता है, न माँ को सलाम करता है न बाप को सलाम करता है, ये नहीं जानता एक दिन आएगा तू भी बाप बनेगा तेरी बेगम भी तेरी बेगम भी माँ बनेगी। अरे माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए, कितनी उम्र हो गई 60 बरस 65 बरस माँ बाप की, ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, इन्हें वक्त दो इन्हें तुम्हारा वक्त चाहिए, इनके पास बैठो इनकी दुआएं लो अल्लाह बंद दरवाजों को खोल देता है। जरूरी नहीं माँ राबिया बसरिया हो, उपले थापती हुई माँ लीपा पोती करती हुई माँ मिट्टी में मुलबलब हाथ उठा के अल्लाह से मांग ले अल्लाह इजाबत के सारे दरवाजों को खोल देता है। अब्दुल मुत्तलिब ने आंसू बहाए काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता कितना खुश होता। रब का शुक्र अदा किया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है तूने मेरे खिजा रसीदा गुलशन के अंदर बहार का पैगाम दे दिया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है तूने मेरा उजड़ा हुआ बाग हरा भरा कर दिया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है तूने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया, इलाहुल आलमीन तेरा शुक्र है तूने अब्दुल्ला को ले लिया, अब्दुल्ला से ज्यादा हसीन और जमील पोता मुझे अता कर दिया। रब का शुक्र अदा किया क्यों, अल्लाह का कुरान कहता है वइतअदन रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद, मेरा अल्लाह फरमाता है तुम मेरी नियामतों पे शुक्रिया अदा करोगे इजाफा कर दूंगा, अगर ना शुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। और एक बात, नेमत के मिलने पर शुक्र है जश्न नहीं, और मुसीबत के आने पर सबर है मातम नहीं। अल्लामा गजाली ने लिखा है अगर शुक्र और सबर बस दो सवारियां होती मैं कभी नीचे ही नहीं उतरता। हमारे यहाँ कोई मुसीबत आ जाती है ना तो हम सबर का दामन छोड़ देते हाय वावेला करते, हालांकि किताबों में लिखा है अगर मोमिन को कांटा चुभ जाए उसका जो सिला अल्लाह जन्नत में देगा वो वहां ये तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे ही लगते रहते। पेट के दर्द में मर जाने वाली खातून मेरे नबी ने फरमाया शहीद है।
कुछ भी तकलीफ हो, सबर करो, अल्लाह इसका अजर जन्नत और इतना बड़ा चढ़ा कर देगा, वो ये तमन्ना करेगा काश ये मुसीबत रोजाना आती रहती और नेमत के मिलने पर जश्न नहीं है, शुक्र है। हमारे यहाँ देखो, आपके इलाके का तो पता नहीं, लेकिन अक्सर सिटियों में ये हाल होता है, बच्चे का जन्मदिन आता है ना, जश्न मनाते, केक काटते, पूरे मोहल्ले में बांटते, जैसे इसके बच्चे ने दुनिया में आके बड़ा एहसान किया हो, बलून चिपकाते, सुई मारते, आवाजें करते, सेलिब्रेट करते। इब्ने माजा में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब मेरा जन्मदिन आता था, पैदाइश का दिन, मैं रोजा रखता था, हुजूर रोजा रखते थे, और ये मोहल्ले में केक बांटता है, कहता मैं मोहम्मदी हूँ। मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, गैरों की मुशाबत करोगे अल्लाह कल कब्रों से गैरों के साथ उठाएगा। हमारे अकाबिर की जिंदगियां उठा लो, शाताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, कैसा इश्क था हमारे नबी से, खत्मे नबुव्वत का मिशन उठाया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था, नाखून नोचे, बगल के बालों को नोचा था, मनोटनों के हिसाब से इन्हें गल्ला दे दिया था कि इतने वक्त में इतना पीस कर देना है। वो अंग्रेज गवर्नर सोचता है सारी रात अताउल्लाह बुखारी चक्की चलाता रहेगा, सारी रात 4 बजे का वक्त है, वो सुपरवाइजर विजिट के लिए आया, अताउल्लाह की कोठड़ी पे आके जब खड़ा रहा, उसने जो मंजर देखा, उसकी आंटे फटी की फटी रह गई आंखें, उसने क्या मंजर देखा, अताउल्लाह शाह बुखारी मुसल्ले पे बैठ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहे, चक्की खुद ब खुद चल रही है। कहा बुखारी मैं क्या देख रहा हूँ, तो कहने लगे तू क्या जाने जालिम, मैं उसका काम करता हूँ, वो मेरा काम करता है। हमारे अकाबिर थे, हमारा आज दीन के साथ जो रवैया है, दूर दूर तक हदीस कुरान से कोई लेना देना नहीं है। अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर में रेल का टिकट लेने गए, वो टिकट देने वाला हिंदू था, वो देते कहने लगा मौलाना साहब आपको मैं रेल का टिकट देता हूँ, आप मुझे जन्नत का टिकट दे दीजिए। कहा क्यों, कहा आप कितने हसीन हैं, आपका बनाने वाला कितना हसीन होगा, आपका चेहरा देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। काबिर के चेहरे देखकर लोग कलमा पढ़ लेते थे। अरे इनकी लाशें सिंधिया कर दी थी। इमाम मोहम्मद का जनाजा उठा, एक यहूदी के दिल में ये जज्बा जागा, बहुत बड़ा वक्त का वली है, चल इसके जनाजे की चारपाई को कंधा दे देता हूँ। जो ही जनाजे को चारपाई को कंधे पे रखा, इसके मुंह से कलमा जारी हो गया, अकाबिर की लाशें सिंधिया करती थी। आज हमारा जिंदा वजूद लोगों की ईमान में रुकावट बना हुआ। अरे खुद हम अपने घरों से परेशान है, भाई भाई की नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती, हल्की सी एक बाली जमीन के टुकड़े में कटर कतल कर देते, जनाजों में नहीं आते, एक दूसरे को सलाम नहीं करते, ईद के दिन भी नहीं मिलते, मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए, क्या ले जाएंगे दुनिया से, कब्रस्तान का चक्कर लगाओ, कितने लोग सोए पड़े, 60 बरस 70 बरस, ज्यादा से ज्यादा 80 बरस, 80 साल के बाद तो बंदा खुद थक जाता है, खाने वाली लिस्ट कम है, परहेज की लिस्ट ज्यादा है, ये पूरा जिस्म बीमारियों का मरकज बना हुआ है, शुगर है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, 8-8 गोलियां 2-2 वक्त खाता है, वॉशरूम जाना हो 2 बंदों का सहारा चाहिए, कमर झुकी हुई है, घुटनों में दर्द है, कुर्सी पे बैठ के नमाज नहीं पढ़ सकता, क्या जिंदगी है। और कयामत का एक दिन 50 अल्फ सना सूरे मारिज में 29वां पारा, 50,000 साल का एक दिन होगा, और कैसा खतरनाक दिन, हजारों हजारों साल गुजर जाएंगे पानी पानी मांगते मांगते, और अल्लाह क्या पानी पिलाएगा, अल्लाह का कुरान कहता है फशारिबूना अलैहि मिनल हमीम फशारिबूना शुरबल हमीम हादा नुज़ुलुहुम यौमद्दीन, अल्लाह फरमाएगा इन्हें गर्मा गर्म खोलता हुआ पानी पिलाओ, एक घोंट पीते ही अंतड़ियां कट कट के
पिछले रास्ते से निकल जाएंगी। सारे दोज़खी कहेंगे इलाहुल आलमीन इतने इतने साल गुजर गए खाना देखा नहीं हमें खाना खिला। अल्लाह का कुरान कहता है लाकिलून मिन शजरी मिन ज़क्कूम। अल्लाह कहेगा जहरीली कांटे वाली घास खिलाओ, ये कांटे गलों में फंस जाएंगे। मिश्कात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया जब यहाँ कांटा फंसेगा ना वो सोचेगा दुनिया में कोई चीज फंसती थी उतारने के लिए पानी मांगता था, वो फिर पानी मांगेगा, वो ऐसा पानी दिया जाएगा वो पतेला मुंह के करीब ले जाएगा, इसकी भाप और इसकी गर्मी इतनी तेज होगी पतेला सिर्फ मुंह के करीब ले जाएगा सारे चेहरे की चमड़ी निकल के कटोरे में जा पड़ेगी।